हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन XR में हम अपने आईफोन XR में iOS 17 का अपडेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आप देख सकते हो iOS 17 बीटा 5.82 GB का साइज़ है, ये मेरे शो हो रहा है। अगर आपके केस में अपडेट नहीं शो हो रहा तो वो कैसे होगा मैं आपको बताऊँगा। अगर अपडेट शो नहीं हो रहा तो सिंपली आपको करना क्या है, सफारी ब्राउज़र में जाना है, एक नया टैब ओपन कर लो या फिर डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। सो जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको वो वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट तक पहुँच सकते हो। देयर यू गो, कुछ इस तरीके की वेबसाइट पर आप पहुँचोगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो आप वेबसाइट ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन से, वो सिर्फ सफारी ब्राउज़र में ही ओपन करना। स्वाइप अप करो और गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और फिर स्वाइप अप करो और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है गेट स्टार्टेड एनरोल योर iOS डिवाइस। जस्ट क्लिक ऑन दिस वन तो आपको ये बटन देखने को मिलेगा, टर्न ऑन बीटा अपडेट्स। सो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको ये एप्पल आईडी साइन इन करने के लिए बोलता है तो आपको साइन इन कर लेनी है, या तो फिर वो पासवर्ड वेरीफाई करेगा या फेस आईडी या टच आईडी वेरीफाई करेगा। सो ओपन बीटा अपडेट्स के ऊपर क्लिक करो तो आपको आप ये जो ब्लू कलर के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो आपको सेटिंग्स में रीडायरेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑफ की ऑप्शन देखने को मिल रही होगी, आपको जस्ट वेट करना है 5 से 10 सेकेंड्स और आपको ये चार नए ऑप्शंस इंट्रोड्यूस नए अनलॉक होंगे। सो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो iOS 17 पब्लिक बीटा, तो ये जो ऑप्शन है वो आपको अपडेट शो करवा देगी। सो इस तरीके से आप आईफोन XR में iOS 17 अपडेट जो है डाउनलोड कर सकते हो सिंपल तरीके से। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।